राजस्थान में क्या भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है मुख्यमंत्री चेहरा? जानिए वो नाम जिसकी हो रही है लगातार चर्चा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को घोषित नहीं किया है, लेकिन पुख्ता जानकारी मिली है कि वसुंधरा राजे सीएम फेस हो सकती हैं। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि पार्टी जल्द ही राजस्थान में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर वसुंधरा राजे का नाम घोषित कर सकती है। अब तक राजस्थान में बीजेपी की रणनीति एकदम अलग थी, क्योंकि बीजेपी किसी को सीएम फेस घोषित नहीं कर रही थी। चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला लेने की खबर थी। आखिर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव कैसे किया, पार्टी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया और राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए जरूरी है या मजबूरी? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने राजस्थान में करीब एक महीने पहले एक सर्वे कराया था। सर्वे सीक्रेट था, जिसकी रिपोर्ट भी सीक्रेट ही रखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के चंद बड़े नेताओं के बीच ही थी। रिपोर्ट में राजस्थान के बीजेपी की चुनावी संभावनाओं का पूरा हिसाब था। रिपोर्ट में लिखा गया था कि राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस आगे चल रही है। यह भी बताया गया कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी मामूली अंतर से आगे है। इस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात थी, जिसे देखकर बीजेपी राजस्थान के इलेक्शन स्ट्रेटेजी पर दोबारा विचार करने और उसमें बड़े बदलाव को सोचने लगी। जांच में पाया गया कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री फेस बनाया जाए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, यानी कि वोट के मामले में बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले निर्णायक बढ़त मिल सकती है। बीजेपी की रिपोर्ट जैसे ही दिल्ली पहुंची, इसका असर भी दिखना शुरू हो गया। जो बीजेपी सीएम फेस के तौर पर किसी को एक्सेप्ट करने से बच रही थी, वो अब मॉडल के तौर पर वसुंधरा का नाम ले रही है। आपको बता दें कि नवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सरकार का जिक्र करते हुए राजस्थान की मौजूदा गहलोत सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी में अमित शाह जैसे दिग्गज नेता अगर कुछ कहते हैं तो उसका मतलब होता है और असर भी होता है। चंद दिन पहले तक सामूहिक नेतृत्व की बात करने वाले गृह मंत्री अमित शाह अगर आज वसुंधरा राजे सरकार की चर्चा कर रहे हैं तो समझिए यह उसी रिपोर्ट का असर है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में 13 ऐसी सीटें थी जहां हार जीत का अंतर महज 1% से कम था। 10 सीट ऐसी थी जहां से 2% से भी कम वोट से हार जीत का फैसला हो गया और 15 सीट ऐसी थी जहां 3% से भी कम वोट से हार जीत हो गई। ऐसे में जहां इतना कम मार्जिन हो, बीजेपी के दिग्गजों को लगता है कि ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये कुल मिलाकर 38 सीटें हुई, यानी कि 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में करीब करीब हर पांचवी सीट पर जीत हार का फैसला बेहद कम मार्जिन से होता है। राजस्थान जैसे स्टेट में जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है, वहां 38 सीटें बेहद महत्वपूर्ण। इसलिए बीजेपी को अब राजस्थान में वसुंधरा की अहमियत का अंदाजा होने लगा है। हम जिस रिपोर्ट की आज जिक्र बार बार कर रहे हैं, या उसी का नतीजा है कि बीजेपी वसुंधरा को बैक सीट से फ्रंट सीट पर लाने को तैयार हो गई है। और इस मुद्दे पर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ऐसा लगता है कि वसुंधरा के नेतृत्व में ही भाजपा चुनाव लड़ेगी। वसुंधरा को लेकर बीजेपी लीडरशिप इस हृदय परिवर्तन को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके प्लान में वसुंधरा के लिए कोई जगह नहीं दिख रही थी। वसुंधरा अगस्त से करीब करीब साइडलाइन लग रही थी। यह बात जयपुर में हुए घटनाक्रम से समझी जा सकती है। बीजेपी ने 17 अगस्त को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 2 समितियां बनाई। चुनाव प्रबंधन कमेटी की कमान पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को सौंपी गई। पार्टी के 21 नेताओं को इसका मेंबर बनाया गया। स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी की कमान अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई। इसमें 25 सदस्य शामिल किए गए और वसुंधरा को इन दोनों समितियों में जगह नहीं दी गई। आमतौर पर पार्टियां अपने दिग्गज नेताओं के लिए टिकट का ऐलान पहली लिस्ट में करती हैं, जबकि वसुंधरा को टिकट के लिए दूसरी लिस्ट का इंतजार करना पड़ा। जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई तो उसमें भी वसुंधरा को 24वें नंबर पर रखा गया। उनके 10 समर्थकों के टिकट काट दिए गए। इसमें उनके करीबी यूनिस खान भी हैं, जो चुनावी मैदान में अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। मतलब ये कि किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हर तरफ से यही संकेत मिले कि वसुंधरा का गेम ओवर हो चुका है। वसुंधरा खुद भी इसी तरह के मैसेज दे रही थी, लेकिन अचानक उनका अंदाजे बयां बदल गया। 3 नवंबर को वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में कहा कि मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूं। अगले ही दिन उन्होंने एक सभा में कहा कि आपको ये बहुत क्लियर करना जरूरी है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं
अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ। रिटायरमेंट की बात ध्यान में मत रख। पार्टी और राजनीति को लेकर वसुंधरा के बढ़ते बिगड़ते मूड की वजह क्या है, इसका संकेत जयपुर में 27 सितंबर को मिला। उस दिन जयपुर में शाम 7 बजे से रात 2 बजे तक एक बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता थे, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं थी। उनकी नाराजगी के चर्चे चल ही रहे थे, तरह तरह के अटकले भी लग रहे थे, लेकिन वसुंधरा अचानक पहुंची। वह बैठक में सिर्फ 15 मिनट रही और मुस्कुराती हुए चली गई। वसुंधरा के करीबी बताते हैं कि उसी मीटिंग के बाद महारानी को भरोसा हो गया था कि पार्टी ने भले ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया, लेकिन अंत में बाजी उनके पक्ष में ही रहेगी। वसुंधरा राजस्थान की पॉपुलर लीडर है। पॉपुलरिटी के मामले में वो सबसे आगे हैं। महिला, राजपूत, जाट, गुज्जर और आदिवासी वोट पर उनकी पकड़ है। भाजपा की परंपरागत ब्राह्मण और बनिया वोटर का भी समर्थन हासिल है। 70 साल की वसुंधरा राजे के पास सियासत का भी लंबा तजुर्बा है। अमित शाह रैलियों के जरिए वसुंधरा के शासन को मॉडल के तौर पर अब पेश भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो राजस्थान की 200 में से 60 यानी कि एक तिहाई सीटों पर सीधा असर डाल सकती हैं। वो राजस्थान की जमीनी स्थिति से वाकिफ हैं। यही कारण है कि भाजपा राजस्थान जीतने के लिए 5वीं बार वसुंधरा को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। अगर औपचारिक ऐलान नहीं भी होता है, फिर भी यह माना जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिला तो पार्टी वसुंधरा को अनदेखा नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।